नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भगवान और भक्ति में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दशहरे के दिन क्यों खाया जाता है पान? आज हम आपको बताएंगे इस बारे में। तो दोस्तों, विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व देश भर में भाईचारे के साथ मनाया जाता है। इस दिन कुछ परंपराएं भी निभाई जाती हैं, जिनमें से एक है हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना और उस पान को खाना। ख़ास तौर से जब ये त्यौहार मंगलवार के दिन आता है। पान को प्रेम और जीत का प्रतीक माना गया है। साथ ही बीड़ा शब्द का भी अपना एक विशेष महत्व है, जिसे कर्तव्य के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि दशहरे पर रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है। दशहरे के दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बीड़े का रावण दहन से पूर्व हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके। दशहरे पर पान खाने का एक कारण यह भी है कि इस समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पान सेहत के लिए अच्छा होता है। एक कारण यह भी है कि नवरात्रि में 9 दिन के उपवास करने पर पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ऐसे में पान खाने से भोजन पचाने में आसानी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।